us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live, I want to take it. सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आप देख रहे हो ड्रीम ऑडियो की एक नई वीडियो। सो हमारे पास गाड़ी है, ये है बेलेनो चंडीगढ़ से। सो आप चंदू भैया इसमें क्या क्या ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं? इसके अंदर हम सारा हाई एंड ऑडियो अपग्रेड कर रहे हैं, जो ऑडिशन के रहने वाले हैं, सारा सेटअप ऑडिशन के कर रहे हैं। और वो भी हम SQ सेटअप और एक्टिव सेटअप कर रहे हैं, जो कई वीडियो में दिखाया हूँ आप लोग को। तो सारी चीजें मैं गाड़ी में बताऊंगा कि एक्टिव SQ SPL क्या होता है, वो चीज भी आप लोग को बताऊंगा गाड़ी के अंदर। सबसे बड़ी चीज है जो मैं आगे 3-way लगा रहा हूँ, पीछे क्वाइल स्पीकर लगा रहा हूँ, और एक 8.9 लगा रहा हूँ, जो 8 चैनल एम्पलीफायर है, 9 चैनल DSP है, और ऑडिशन के एक एक्टिव वूफर लगा रहा हूँ। और हमने चारों डोर डैम्पिंग की है, टिकी डैम्पिंग की है, फ्लोरिंग सरूफ नहीं की अभी, वो अभी हमारे को वूफर नॉर्मली रहने वाला है। तो सारा चीज मैं पहले आपको सामान अंदर को दिखाता हूँ, जो फिटिंग की है वो गाड़ी में भी दिखा दूंगा आपको। तो जो हम आगे 3-way लगा रहे हैं, वो आपका ये ट्विटर रहता है, मैं ट्विटर से मिडवे से स्टार्टिंग करता हूँ। ये आपके सामने है, ये भी 6.5, ये ओचे का आपका मिडवे से स्पीकर रहता है, जो हमारा डोर्स के अंदर लगते हैं, जो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन आपको एक एक चीज़ बारीक में समझाऊंगा कि क्या चीज़ क्या होता है। तो ये चीज़ आपका हो गया, जो हम इसको हम कहते हैं मिड बेस के, मतलब ये है कि इसके अंदर हल्की सी वोकल भी रहेगी, आपका बेस भी है। कई बार हम क्या करते हैं, बुफर निकाल देते हैं गाड़ी से, तो आपका जैसे कि हम ऐसे हिसाब से सेटिंग करके देंगे, कहीं बुफर निकालते हैं तो आपको इस सेटिंग पे चलना है या दूसरी चलना है, दो प्री सेट बना देंगे हम। तो ये आपका मिड बेस है, 6 इंच समझ लो बुफर है, 6 इंच के बुफर। इसके मैग्नेट रहने वाली है, आप मैग्नेट भी देख सकते हो, और इसको जो केले मतलब कि जहाँ पर हम वायर लगाते हैं उसकी आप पॉइंट देख सकते हो, मतलब कुछ हटके बनाया है ऑडिशन ने, काफ़ी अच्छी है। जो इसकी कॉयल है, मैग्नेट है, काफ़ी अच्छी है। इसकी पेपर कोन है काफ़ी, इसकी ना मतलब अगर बात करें मिड बेस की काफ़ी अच्छी है। ओवर में अगर बुफर का भी उतार डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं हमारे स्पीकर से, मतलब कि अगर नॉर्मल बेस चाहिए तो बेस अच्छी आ जाती है। ये तो रहेगी आपकी डोर्स के जो स्पीकर बताया आपको। और इसके बाद हम चीज़ दिखाते हैं मिड रेंज, जो मिड रेंज होती है वोकल के लिए, जो हम पिलर पर लगाते हैं वो चीज़। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ये आपका मिड रेंज है। तो मिड रेंज के आप देख सकते हैं, मिड रेंज के फ्रंट से क्वालिटी दिखेगी, रेयर से आपका मैग्नेट वगैरह देख सकते हैं। ये देखने में थोड़ी मैग्नेट छोटी लगी आप लोगों को, लेकिन इसकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेटर है। जो वोकल है, लाउडनेस भी है, आप किसी की चाहिए कि भैया मेरे को थोड़ा लाउड भी चाहिए, तो इसकी क्वालिटी ऐसे है कि लाउड भी जा सकते हैं और आप सॉफ्ट मतलब दोनों मतलब कर सकते हैं, आप लाउड और सॉफ्टनेस दोनों जा सकते हैं। ये आपका हो गया मिड रेंज। और दिखाते हैं, आप कृपया सामान पर कैमरा रखें। और ये आपका है ट्विटर, ट्विटर को हम हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी हो गया, ये मिड फ्रीक्वेंसी हो गया, यार आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो गया। तो हाई के मतलब होता है ट्विटर, जो ट्विटर है आपकी बारीक आवाज़ है, डिटेल में जो आपको कान तक सुनाई देता है ट्विटर से ही देता है। मेन तो समझ लो कि अगर बात करें तो मेन तो हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये आपका रहता है ट्विटर। ट्विटर भी आप देख सकते हैं, फ्रेंड से ये लुक है, रेयर से ये है, ये ओचे फोरम्स के ट्विटर है, मतलब काफ़ी अच्छी है इसकी साउंड क्वालिटी। इसकी फिटिंग जैसे कई एंगल माउंट करते हैं, किसी को पिलर नहीं बनाते हैं गाड़ी में, तो पिलर नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पिलर है पिलर पे हम इस टाइप से एंगलिंग कर सकते हैं। और किसी को फ्लैश करना है तो फ्लैश के हिसाब से फिटिंग दिया हुआ है, या आप फ्लैश भी कर सकते हैं डोर्स के अंदर और एंगलिंग कर सकते हैं। किसी को अच्छी आवाज़ चाहिए तो आप ये एंगलिंग करवाए, कि एंगलिंग में आपको काफ़ी बेटर आउटपुट आएगी। एक चीज़ तो हो गया, लेकिन इसके अंदर हम कस्टमाइज पोर्ट बना रहे हैं 3-way की। ये आपको फ्रंट की दिखा दिया मैंने, सारे चीज़ें लो मिड है, ये चीज़ दिखा दी। अब बात करते हैं रियर की, जो रियर डोर्स में लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं क्वाइजल स्पीकर, जो भी ट्विटर होते हैं। तो जो हमारे पास एम्पलीफायर भी रहने वाले हैं, 8 चैनल एम्पलीफायर है, 9 चैनल DSP है, तो कैसे यूज कर रहा हूँ वो भी चीज़ आप लोग को दिखा दूंगा। ये आप देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। और ये आपका पैकिंग खुल गया, ये इसके साथ वारंटी कार्ड आती है, ये वारंटी कार्ड भी आप लोग देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड हो गया, ये हो गया आपका पीछे के, इसको हम कहते हैं क्वाइजल स्पीकर। जो क्वाइजल स्पीकर है, इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ है क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, कि आप क्रॉसवर्ड देख सकते हैं इसके अंदर, जो सेम ओचे सीरीज का ही आपका क्वाइजल स्पीकर है। इसका ये बी ट्विटर है, जो हम कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है कि पोजीशन आप ट्विटर के चेंज कर सकते हैं, ऊपर जहाँ लोकेशन अपना चेंज कर सकते हैं। इसके क्या है कि जो लोकेशन लगी हुई है लोकेशन वही रहेगी क्वाइजल के अंदर, और आपका डोर सोर्स कटिंग नहीं करवाना सबसे बेटर है। इसके अंदर मिड बेस भी काफ़ी अच्छी है, ट्विटर क्लैरिटी भी अच्छी काफ़ी है,
ये आप देख सकते हैं पीछे से, आपको देखने में दोनों सेम ही होगा। ये कोएक्सियल है और आपका वो थ्री वे की चेंज के बूफर है। ये आपका रह गया रेयर की। और सबसे जो मैं इसे जिसे ड्राइव इसको चलाना चाह रहा हूँ वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये है आपका 8.9 जो आप लोग देख सकते हैं, 8.9 है, 1200 वाट की है। और जो इसके अंदर चैनल RMS है, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, सारी चीज़ लिखी हुई है। ये आपका 85x8 फोर ओम पे दे रहे हैं, जो हम फोर ओम पे ही रन करेंगे सारे स्पीकर को। जैसे हम आगे थ्री वे लगा रहे हैं, इसमें 6 इंच 6 चैनल आप आगे ड्राइव हो गया और हमारे पास बच गया 2 चैनल, तो 2 चैनल जो है हम वो रियर यूज कर लेंगे, तो 8 चैनल हो गया। जो 9 चैनल DSP है, तो 9 चैनल DSP क्या होता है, जो हम मोनो एम्पलीफायर हमारा जो विद एम्पलीफायर वूफर है ऑडिशन का ही, तो वहाँ हम इसका 8 सिलेक्ट के हम रन कर लेंगे जो हमारे 9 चैनल आउट दे रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारे लिखा हुआ, जूम करके आप कैमरा में देख सकते हैं, 85x8 फोर ओम पे दे रही है। हमें 8 ओम 2 ओम पे कुछ में चलाना, हमें चलाना 4 ओम पे, क्योंकि हम आगे भी 3 वे एक्टिव लगा रहे हैं और पीछे कोएक्सियल लगा रहे हैं। और जो इसकी आप ये देख सकते हैं दिखने में कैसे है, ये आपका 8.9 जो आपको डब्बे पे दिखाया 8.9 है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम अगर बात करें एक्टिव, जैसे हम आगे 3 वे एक्टिव करते हैं और पीछे कोएक्सियल लगाते हैं, हमें कम से कम इसके अंदर 2 4 चैनल चाहिए। अगर रफली हम 2 4 चैनल लेते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ हमें 2 पावर केबल चाहिए, 2 ग्राउंड वायर चाहिए, 2 रिमोट वायर चाहिए, काफ़ी हमारे गाड़ी के अंदर वायर बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मली आप कॉपर वायर 8 इंच के डाल सकते हैं, जो इसका सॉलिड जो हमारे इनपुट की जगह बनी हुई है ये भी 8 इंच का ही है। तो जो हम स्टिंगर के इसमें कॉपर वायर यूज किए, आपको वायरिंग भी दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर, अगर हम यहाँ भी दिखा दूंगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि कॉपर वायर और CC में फर्क ये होता है कि कॉपर वायर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं करेगी, ना कभी फ्यूज उड़ेगा और ना कभी आपके तार टूटेगी, ना कहीं से कोई दिक्कत आएगी, नहीं अर्थिंग की नॉइज आएगी। अगर बात करें कि हम 8 पॉइंट लगाने से फायदा क्या है, जैसे अगर हम 2 4 चैनल लगाते हैं, 1 मोनो एम्पलीफायर लगाते हैं, इनमें कई वायरिंग काफ़ी सारी हो जाती है, कई बार इंडिकेटर की आवाज़, रेस की आवाज़ काफ़ी परेशानी हो जाता है, फिर हमें पकड़ में नहीं आता कहाँ दिक्कत है, फिर हम पूरी गाड़ी खोलते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उससे ऐसी चीज़ है कि आप 1 एम्पलीफायर के अंदर 2 4 चैनल मिल रहा है, 9 चैनल DSP मिल रहा है, 1 वायरिंग किट में काम हो रहा है, 1 हमारे वायरिंग के पैसे बच रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें जगह आजकल हर किसी को जगह चाहिए होता है, कहीं भी आप सेफ्टी करके MDF बोर्ड लगा के आराम से अंडरग्राउंड वायरिंग कर सकते हैं, ना हीट की प्रॉब्लम है, ना एम्पलीफायर हीट होता है, ना आप कई बार लाउड सुनते हैं कि हम 4-5 घंटे रन कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं, तो ये नहीं कि भाई आपका रास्ते में ट्रिप मारे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मतलब चीज़ है। मैंने कभी कम से कम न करते करते 10 से 15 पीस बेच चुका हूँ, मेरे को अभी तक ऐसे कोई दिक्कत नहीं आया। अगर आप लोगों को कभी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बता सकते हैं कि चीज़ में दिक्कत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जितने भी प्रोजेक्ट लगाया तो मेरे को ऑडिशन के काफ़ी ब्रांड अच्छा लगा। इसके अंदर अभी 12.14 निकाले, 12.14 भी मैंने अभी वीडियो नहीं डाला, आप लोग को भी दिखाऊंगा। उसके अंदर हम 3 वे फ्रंट भी एक्टिव कर सकते हैं, रियर भी एक्टिव कर सकते हैं, जिसको अगर 2-3 वे लगाने हो, वो चीज़ तो बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं इसकी सारी चीज़ बताता हूँ। तो सारी चीज़ बता दिया, बाकी चीज़ आपको सब चीज़ गाड़ी के अंदर में इंस्टॉल कर चुके हैं, वहाँ सारी चीज़ और बारीक में बताऊंगा कैसे क्या है। अब मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दिया, सबसे पहले बूफर भी दिखा देता हूँ अंदर ही आपको। जो बूफर हमारा रहने वाला ऑडिशन का, ये है एक्टिव बूफर। एक्टिव का मतलब ये होता है कि सबको नहीं पता एक्टिव पैसिव, एक्टिव का मतलब होता है कि ये विद एम्पलीफायर है, इसमें हमें मोनो एम्पलीफायर लाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर है। ये आपका ऑडिशन का बूफर हो गया। और बाकी चीज़ जो मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ गाड़ी में, सारी चीज़ आपको गाड़ी में दिखाता हूँ। स्टार्टिंग करते हैं बैटरी वायर से, जो आप लोग को बैटरी वायर दिख रहे होंगे, ये हमने प्रॉपर स्टिंगर की पावर केबल डाले हैं, 1 4 गेज और 1 8 गेज, ये स्टिंगर की पावर केबल है। और इसके अंदर सारे आपका जो रबर है, ओरिजिनल रबर है जो हमारे कंपनी फिट है, उसके अंदर बिल्कुल हल्का से समझ लो कि होल करके वहीं से निकाल रखे हैं। और ये आपको फिर बैटरी वायर पर ना प्रॉपर ये स्लिप चली हुई है, ये आप बैटरी वायर देख सकते हो, प्रॉपर स्लिप चली हुई है। और मैं अंदर भी दिखाता हूँ, ये फ्रेंड डोर हो गया, ये हमने STP के टूल डैम्पिंग करी है। और ये आपका जो अंदर मिड बेस दिखा दिया इंस्टॉल हो चुका है, ये आपका प्रॉपर मिड बेस देख सकते हैं। और जो पिलर कोड है कस्टमाइज में हमारा बन रहा है, पिलर तैयार हो रहे हैं, अगर वो फिटिंग होने के बाद वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। और जो हमारा वो ये रहता है 8.9 का, आप देख सकते हैं ये हमारा 8.9 है, जो 8 चैनल एम्पलीफायर है, 9 चैनल DSP है। और आपका रियर डोर पे आ जाइए, आपका रियर डोर पे दिखाता हूँ, रियर डोर पे हम पूरी डैम्पिंग करिए। और ये आपको क्वाइजल स्पीकर देखने को मिलेगा, ये हमारा स्पीकर आ गया,
जो आप लोग देख सकते हैं स्पीकर हो गया, और अभी इतना काम हो चुका है, बाकी हम जो पिलर पोर्ट लगाते हुए सबको सारे आपको दोबारा सारी चीज़ दिखाएंगे। और आपका हेडरूम का भी पहले रहता है 9350, ये आपकी पहले हेडरूम पे ये आपकी 9350 है। और बाकी अभी सारा गाड़ी पैक होने के बाद जो पिलर पोर्ट लगने के बाद सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो काम सारा हमारा हो चुका है, सारा सामान स्टोर कर दिया हमने। अब आपको सारा जो बताया था मैंने पिलर वगैरह सब दिखा देता हूँ। ये हमारा ये पिलर है जो थ्री वे का पोर्ट बनते हैं, ये आपका कॉर्नर पे देख सकते हैं कूटर लगाया, और ये आपका मिड रेंज है, और ये आपका पायनियर की 9350, ये आपका स्क्रीन आ गया, और ये हमारा राइट साइड के पिलर, ये भी आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर हम कस्टमाइज पोर्ट खुद ही बनाते हैं। और सारा इंस्टॉल हो गया, आपको मैंने सारी चीज़ फिटिंग दिखाई दिया था। अब इसका मैंने वैसे म्यूजिक चला के सारी चीज़ देख लिया, आउटपुट काफ़ी अच्छा आ गया, तो मैं आप लोग को भी सारा आउटपुट चेक करा देता हूँ कि किस तरह आवाज़ आ रही है। काफ़ी मज़ा आ गया, आप लोग को सुनने पे मिल जाएगा। और जो इसके अंदर इंस्टॉल किया हमने सारा चीज़ दिखा दिया आपको, हीट सिंक सारा स्लीप मतलब जैसे वायरिंग होनी चाहिए। तो वीडियो अभी तो मैं हमारा नया चैनल है, मैं स्टार्टिंग किया हूँ, ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लाता ही रहूँगा, जैसे कौन सी गाड़ी में कैसे होता है, जैसे कहीं अर्थिंग आवाज़ आती है, इंडिकेटर की आवाज़ आती है, तो मैं अभी स्टार्टिंग करूँ, सिर्फ छोटी वीडियो बनाया, आगे से मैं आपके लिए बड़ी वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें कि आप लोग को नई नई वीडियो देखने को मिले। जय श्री राम।